नमस्कार, महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि के नाम से प्रख्यात कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल द्यद के वाक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वाक कश्मीरी शैली में लिखी जाने वाली चार पंक्तियों की रचना होती है, जिसे गाया भी जा सकता है। वाक का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। तो लीजिए, पेश है संत कवयित्री लल द्यद के लिखे हुए ये चार वाक और उनका भावार्थ। कवयित्री लल द्यद लिखती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री इस वाक में कहती हैं कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी डोरी से खे रही है, खींच रही है। सांसों की ये डोर, यह रस्सी कितनी कच्ची है। कवित्री यहां जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता की ओर संकेत कर रही है। फिर वे कहती हैं, न जाने मेरे देव ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, और मेरी नैया, मेरी जीवन की यह नाव इस भवसागर से, संसार रूपी इस सागर से पार लगा देंगे। कवित्री कहती है कि ये शरीर मिट्टी से बने कच्चे सकोरे जैसा है। सकोरा यानी मिट्टी का एक छोटा सा पात्र, जो निरंतर टपक रहा है, रिस रहा है, अर्थात आयु कम होती जा रही है, समय बीतता जा रहा है। और अंत में कवित्री कहती हैं कि प्रभु से मिलने की उनकी सारी कोशिशें, सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। उनके हृदय में रह रह कर एक हूक, एक तड़फ उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, कब अपने घर जाऊंगी। कवित्री ईश्वर से मिलने और उनके सानिध्य में, उनके समीप जाने की तीव्र चाह से, गहरी इच्छा से घिरी हुई है। दूसरा वाक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसका भावार्थ यह है कि कवित्री यहां कहती है कि हे मनुष्य, तू खाने की इतनी लालसा मत रख, तू संसार के भोगों में इतना लिप्त मत हो। खाने से यानी संसार के भोगों से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी तरह इन सारे भोग उपभोगों का पूरी तरह त्याग भी नहीं करना है। तुम्हारे न खाने से, इस त्याग से तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा होगा, तू अहंकारी बन जाएगा। अति भोग और अति त्याग, ये दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए घातक है। कवित्री उसके बाद में रास्ता सुझाती है कि सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात तू जीवन में भोग और त्याग के बीच संतुलन कायम कर, एक बैलेंस बना। न ज्यादा भोग और न ज्यादा त्याग, यह संतुलन अपनी इंद्रियों पर संयम रखने से आएगा। भोग और त्याग के प्रति तुम्हारे इस समभाव से खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात चेतना के बंद दरवाजे खुलेंगे, जीवन में उदारता आएगी और ईश्वर से मिलने के रास्ते निकलेंगे। अगला वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसका भावार्थ यह है कि यहाँ कवित्री कह रही हैं कि वे आई तो थी सीधी राह पर,
किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह है कि कवित्री ईश्वर से मिलने के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने भक्ति के मार्ग की बजाय हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में सारा संसार बीत गया। अब जीवन की संध्या वेला में जब जीवन बीतने को है तो उसने अपनी जेब टटोली, जीवन का हिसाब किताब किया तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। तब लगा कि सारा जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार चला गया। इस जीवन की नाव को खेने वाले, चलाने वाले, खेवनहार इस नाव के माझी यानी ईश्वर संसार से पार लगाने की उतराई मांगेंगे, जीवन के पुण्य कर्मों का मेहनताना मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी? उसके पास ईश्वर को देने को कुछ नहीं होगा। कवित्री के कहने का आशय यह है कि मनुष्य के सदकर्म, अच्छे काम ही उसे संसार सागर से पार लगाते हैं, भव सागर से पार लगाते हैं। लल दत्त का लिखा हुआ अंतिम वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि शिव अर्थात ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वह तो कण कण में बसा है, सर्वव्याप्त है। मनुष्य को सचेत करते हुए कवित्री कहती है कि तू हिंदू और मुसलमान में भेद न कर, ईश्वर एक ही है और ईश्वर के लिए भी सभी एक है। हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्मरूप को पहचान, खुद की पहचान कर। खुद से ही खुदा को जाना जा सकता है, आत्मा से ही परमात्मा की पहचान हो सकती है, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तो ये थी आज की प्रस्तुति प्रख्यात कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल दत्त के लिखे हुए चार वाक और उनका भावार्थ। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और नमस्कार।